आपको दिखाते हैं। हरियाणा की 10 में से एक सीट गुरुग्राम पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिला। यहां से राव दलजीत सिंह एक बार फिर जीतने में कामयाब तो रहे, लेकिन जीत का मार्जिन काफी कम हो गया। यहां से कैप्टन अजय यादव का टिकट काटकर कांग्रेस ने राज बब्बर पर दाव खेला। महज 15 दिनों के प्रचार में राज बब्बर ने राव दलजीत के किले में सेंध तो लगा दी थी, लेकिन आखिर में हार का सामना करना पड़ा। गुड़गांव लोकसभा सीट पर एक बार फिर से राव दलजीत सिंह ने जीत हासिल की और कांग्रेस के राज बब्बर को 75,079 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी, रेवाड़ी, बावन और सोहना विधानसभा क्षेत्र से राव दलजीत की जीत हुई। वहीं मुस्लिम बाहुल्य नूह, पुनाना और फिरोजपुर झिरका से राज बब्बर आगे रहे। विधानसभा 22 बात करें तो गुरुग्राम विधानसभा से राव दलजीत सिंह को 1,62,825 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के राज बब्बर को 60,439 वोट मिले। इसके अलावा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से राव दलजीत सिंह को 1,96,805 वोट मिले, तो वहीं राज बब्बर को 75,081 वोट मिले। वहीं पटौदी विधानसभा से 1,11,087 वोट राव दलजीत सिंह को मिले, तो कांग्रेस के राज बब्बर को 58,197 वोट मिले। वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो नूह विधानसभा से राव दलजीत सिंह को महज 30,568 वोट मिले, तो कांग्रेस के राज बब्बर को 98,070 वोट हासिल हुए। पुनाना विधानसभा से राव दलजीत सिंह मात्र 16,181 वोट ही हासिल कर पाए, तो वहीं राज बब्बर को 1,86,045 वोट मिले। कुछ ऐसा ही हाल फिरोजपुर झिरका विधानसभा में भी देखने को मिला, जहां राव दलजीत सिंह को मात्र 25,100 वोट मिले, तो कांग्रेस के राज बब्बर को 1,23,568 वोट मिले। यानी गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौती से जहां राव इंद्रजीत सिंह को बड़ी बढ़त मिली, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नूह, पुनहाना और फिरोजपुर झिरका विधानसभा में राज बब्बर काफी आगे रहे। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर देना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन राज बब्बर को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से खुलकर प्यार मिला। यानी विधानसभा के हिसाब से इन लोकसभा नतीजों को देखें तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा के नतीजे इन लोकसभा नतीजों से कितने भिन्न रहते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।